दोस्तों ये 5 किलो चावल की बोरी है। अब इसमें भी अच्छी खासी हल्दी बन चुकी है। अब ये देखिए कितनी अच्छी ये मिट्टी थी। इतनी सॉफ्ट मिट्टी थी ये। कितनी सॉफ्ट मिट्टी है ये, पोरस मिट्टी। अब इसको जो है 18 दिन 15 दिन पहले से हमने पानी देना छोड़ दिया था, क्योंकि अगर पानी देते तो ये इस तरह से ये सड़ जाती। ये देखिए दो एक इस तरह से ऐसे सड़ जाती। अब देखिए इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है, इतनी ज़्यादा हल्दी हो गई। ये देखिए ये 15 इंच का ग्रो बैग है और इतनी अच्छी मिट्टी है, एकदम सॉफ्ट मिट्टी है इसके लिए। अब एक बैग से हो चुकी हार्वेस्टिंग, अब इससे भी होगी। अब इससे भी कर लें और अब इससे जो है चंद्रसूर इसका हलवा भी बनता है, जिसको इंग्लिश में हलीम कहते हैं। इसका सूजी का आटे का देसी घी इसके साथ इसका घिस के इसका हलवा भी बनता है। दोस्तों आज मुझे ये ग्रो बैग खुद से ही खाली करना पड़ रहा है और मुझे गार्डनिंग का काम खुद से ही करना पसंद है, इसलिए इसमें मैंने ग्रो बैग में पहले इतने बड़े ग्रो बैग में मैंने राइस हस्क भर दिया था और उसके बाद मैंने हल्दी लगाई थी। हल्दी की जड़ें इतनी पहुंच गई हैं कि नीचे तक पहुंच गई है। ये देखिए ये जड़ है, ये जड़ है, ये सारी जड़ें हैं। आज मुझे अपने से ही इसको पकड़ना पलटना पड़ा। इसमें बहुत अच्छी हल्दी पड़ गई, अब कि हमको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। देखिए कितनी अच्छी इसमें हल्दी है। ये देखिए ये है, ये सब है, ये हल्दी हल्दी है, ये है, ये सारी हल्दी है। इसका मैं अचार भी बना कर दिखाऊंगी और इसको मैं सिरके में डाल के भी दिखाऊंगी। इसका अपडेट मैं आपको बाद में दूंगी, अभी मैं इसको पूरा तरह हार्वेस्ट कर लूं। अकेले ही मुझे करना पड़ रहा है, वीडियो भी बनानी पड़ रही है।